इधर देखो, नहीं 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 ये जुनेद सैयद जुनेद ये जुनेद मक्का मस्जिद सैयद जुनेद शेख आबिद है नहीं होता चलिए पेपर में फोटो डाला तो सीरियल नंबर सेवन मोहम्मद लायक मोहम्मद लायक चार्मिनार पेटिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर जितने भी व्यापारिया थे मेवे के और ज्वेलरी के और दीगर दुकान जितने भी थे, वो दुकानों को मुतबादिल मुकाम बताने तक मुंतकल नहीं करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर चौधरी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर पुलिस के और बल्दिया के आफिसरों ने एक मुतबादिल मुकाम की निशानदेही की और वहाँ पर लोगों को बिठाने के लिए तय किया गया और हमारे जितने भी थे यहाँ के ताजर है वो तमाम लोगों को मुकाम बताए, वो भी राज्य हो गए। उसने खूबी से काम अंजाम को पाया। आज अलाटमेंट था, ड्रा में लकी सिस्टम के तौर पे ड्रा करके लोगों को नामा जिन जिन के निगरण को सीरियल वाइज वहाँ पे खड़ा करने के लिए, चनेक नामों की कमी का लोग शिकायत कर रहे हैं उनके भी नामों को नोट करके इंक्वायरी करके उनको भी देंगे। किसी भी आदमी को यहाँ से बेरोजगार होने नहीं देंगे, उनको मुतबादिल मुकाम पे उनके कारोबार के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कारोबार भी चलेगा और ये प्रोजेक्ट का काम भी चलेगा, किसी किस्म की कोई रुकावट इसमें नहीं रहेगी। हमारे सुहेल खादरी साहब कारपोरेटर बत्तीरट्टी, मुस्तफा अली मुजफ्फर साहब कारपोरेटर शाली मंडा, मुसलसिल सदर साहब की हिदायत पे कामों में मसरूफ़ है। इंशाल्लाह आज और कल में जो सो तमाम व्यापारियों को मुतबादिल मुकाम पर उनको सेटअप किया जाएगा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट का काम कम्प्लीट होगा। इंशाल्लाह आने वाले टूरिस्टों के लिए बहुत सहूलत होगी और यहाँ की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इस तमाम काम मुकम्मल होने के बाद और फाइनल दो तीन महीने के बाद इसके लिए नकीब मिलत बैरिस्टर साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट इन तमाम कारोबारी लोगों के लिहाज से कोई अच्छा हल निकाल के उनके कारोबार को मुस्तकिल तौर पर कोई मुकाम का तयन करके कारोबार जारी रखने के लिए नुमाइंदगी करेंगे और उसमें नुमाइंदगी में कामयाबी के बाद उन लोगों को निशानदेही भी करेंगे। इंशाल्लाह तवक्को है कि जितने भी व्यापारी है वो इस मसले में चार मीनार की खातिर अपनी कुर्बानी दे रहे और पूरा का पूरा साथ दे रहे। इस वक्त मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से आपके साथ है, आइंदा अब भी है, आइंदा भी रहेगी और इस मसले की यकसुई तक मुसलसिल तौर पर आपके साथ ही रहेंगी। शुक्रिया। टेम्पररी कितने दिन तक लगेगी? 3-4 महीने के लिए टेम्पररी रहेगा, उसके बाद मुस्तकिल हम ये प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होने के बाद कोई रास्ता निकाल के उनको लगता है कि प्रोजेक्ट ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट के इंजीनियर तो बता रहे हैं कि 3 महीने में कम्प्लीट होगा, बस अगर कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करना है सदर साहब करेंगे।